हेलो हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू द रैम्पिक गेमिंग विथ मास्टर ग्लोरी गेम प्ले वीडियो। और फाइनली अगर जो आपको लग रहा है कि मैं स्कैमर हूँ सो आप गलत हो, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा तो मैंने उसमें चेकआउट किया कि ब्रो उसने मुझे स्कैमर बोला तो ही वाज स्कैमर। तो आज मैं वही प्रूफ लेके आया हूँ कि भाई मैं स्कैमर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि ब्रो मैं सबको अपनी आईडी बचाने के लिए कहता हूँ तो मैं किसी की आईडी स्कैम नहीं कर सकता, और उसी का प्रूफ आज मैं लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत ही लोग ने मुझे कहा कि भाई मैं स्कैमर हूँ, 2 या 3 कमेंट, लेकिन दिल से बुरा लगता है यार। इतने लोग का मैं आज पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, पूरा उनकी मन का जो भ्रम है वो आज पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि ब्रो अगर जो आप चेकआउट कर सकते हो एक बार, अगर जो आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि मैं स्कैमर हूँ कि नहीं हूँ। अब जो जो ये अकाउंट एस्टेक टीएम की थी उसने मुझे अकाउंट नहीं दिया, मुझे एक काजी महद मेरा फ्रेंड है उसने दिया मुझे, ठीक है। उसने कहा मेरा नाम ले लेना, तो मैंने नाम ले लिया इस वीडियो में। इसने मुझे दिया तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब इससे जिसका है अकाउंट उससे बाई कर ही लेते हैं। तो उसने मुझे जब अकाउंट दिया तो संडे को मैं बहुत ही खुश हो गया कि भाई ये मेरा फ़ैन है, उसने मुझे आईडी ये दिया आईडी बनाने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं बहुत ही खुश हो गया कि भाई मुझे एक न्यू अकाउंट मिला है, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। मैंने सोचा कि भाई अब मुझे तो VIP 3 का अकाउंट मिल गया, अब मैं आसानी से एकदम मस्त मस्त वीडियोज़ बनाऊँगा और सबको दिखाऊँगा कि VIP 3 क्या होता है, कितने कितने अच्छे पोकेमॉन्स रहते हैं। मैंने यही सोचा, लेकिन जब मैंने देखा कि उस आईडी के पासवर्ड 20 लोग को पता था तो मैं एकदम पूरी तरह से एकदम पूरी भौचक्का हो गया। ओके मैंने वो पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं उस रात को ग्लोरी राइडल का वीडियो बना लिया। मैंने सोचा कि भाई चलो वीडियो बना देते हैं, लेकिन मुझे उसके एक अगले दिन सुबह को पता चला था कि ये होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि मैंने ग्लोरी राइडल रिकॉर्ड कर लिया था उस समय। जब मुझे पता चला कितने लोग मुझे हैकर या स्कैमर कहेंगे, तो मैं उसने के लिए प्रूफ लेके आया हूँ। अब देखो तो मैं चलता हूँ अपने फेसबुक मैसेंजर पे, ठीक है ना। आ गए हैं यहाँ पे, आपको एडमिल्सन ओलिवर नाम का एक बंदा दिख रहा होगा। ओके आई एम गिव, इस पर हम क्लिक करते हैं। यही है जिसका वो एस्टेक टीएम जिसका अकाउंट है SRTM। आपको ओल्डर मैसेज भी चेकआउट करने को मिल जाएंगे। इसने पूरी तरह से मुझसे कॉपरेटिंग में इसने मुझे अकाउंट सेल किया। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से इसने मुझे अकाउंट सेल किया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई है। आप देख सकते हो यस आई नीड द मनी देन स्टिल इन्वाइट माई अकाउंट। यहाँ देख सकते हो कितने लोगों ने इसकी आईडी चोरी की और मैंने इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की, और इससे मैंने उसका अकाउंट भी ले लिया, और इसने मुझे अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भी भेजा। यहाँ देख सकते हो विल यू बाय माई अकाउंट यहाँ पे लिखा होगा, और इस वीडियो पे आप यहाँ पे मैंने क्लिक भी कर दिया। ये देख सकते हो विल यू बाय माई अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने मुझे पूरी तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो विल यू बाय माई अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह से इसने मुझे कोऑपरेट किया, और मैंने भी इसके साथ कोऑपरेट किया कि क्योंकि भाई यार इसके पैसे की जरूरत थी, तो मैंने इसे यस आई एम इंटरेस्टेड हाउ मच यू पे, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने डॉलर्स, मैंने कहा ओके तो यही सब बात है कि मैंने इसे तब मैंने इसकी आईडी स्कैम नहीं की, और मैं इसे जल्दी ही पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा फॉर मी फाइन, बट आई कांट बाई ए न्यू अकाउंट। में ये कह रहा है कि ये न्यू अकाउंट नहीं खरीदना चाह रहा, मतलब बाई करना चाह रहा है। सबकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गई होगी। आप देख सकते हो मैंने इससे बहुत ही अच्छी तरीके से, इससे पूरी तरीके से बात की है, और ये तैयार भी होगी अपनी आईडी बेचने के लिए। तो मैंने इसे इसकी आईडी अब ले ली है, और मुझे पता था कि इस आईडी का पासवर्ड 20 लोग को पता है, तो मैंने कुछ किया है। और अगर जो आप देख सकते हो कि बहुत लोग स्कैमर बोल रहे हैं, तो मुझे लगा होगा कि उनकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अगर जो आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो शायद क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड कमेंट, सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय।